हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। गाइस, मैं आपको बता दूं, JKSSB की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। JKSSB ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह बताया कि जो आपकी एडमिट कार्ड है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टॉक असिस्टेंट, जिसका एग्जाम स्केड्यूल्ड है 14/1/2024 को, यहाँ पे इस नोटिस में मेंशन किया है कि 9 तारीख से आप इन वैकेंसीज के लिए एडमिट कार्ड को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और अगर कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट इस नंबर पे भी, उसके बाद यहाँ पे इस एड्रेस पे भी, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं और JKSSB से क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं। तो JKSSB इसका लिंक एक्टिवेट कर देगा 9/1/2024 से लेकर 14/1/2024 के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर ई एडमिट कार्ड बटन पे जो है क्लिक करना है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो आप जो है आपका DOB, ठीक है, DOB रहेगा आपका पासवर्ड, और यहाँ पे फॉर्मेट देख लें, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू एंड प्रिंट ई एडमिट कार्ड पे जाना है, उसके बाद आपने जो है उसको जो है डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पे JKSSB ने प्रोसीजर मेंशन किया था। तो इस वीडियो में बस आप सबको ये इन्फॉर्म करना था कि स्टॉक असिस्टेंट के लिए JKSSB ने कल से जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडमिट कार्ड को अवेलेबल कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू गाइज, बाय।